Hi friend, welcome to my channel SK Engineering Experiment. Today I am going to making a blinking light. तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट कर लिए हैं. जो हमारा ऑक्टोकॉप्टर है इसमें 4 पिन होती है 1, 2, 3. तो हम क्या करेंगे कि इसके 3 और 4 वाले पिन पे हम क्या करेंगे 1.5K का एक रेजिस्टेंस सोल्डिंग कर लेंगे. तब तक हम सोल्डिंग करते हैं उस गिर गया नीचे फिर से उठा के फिर कर लेते हैं. तो इसको 4th और 3rd वाले पिन पे इसको सोल्डिंग कर लेंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे 1025 वोल्ट का एक कैपेसिटर सोल्डिंग कर लेंगे फर्स्ट पिन पे नेगेटिव और 4th पिन पे पॉजिटिव टर्मिनल सोल्डिंग कर लेंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे फिर इसमें हम एक 10K का रेजिस्टेंस सोल्डिंग करेंगे. जो हमारा क्या होगा फर्स्ट वाले पिन पे सोल्डिंग करेंगे 10K का रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल पे एलईडी का पॉजिटिव और 4th पिन पे एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर देंगे. तो चलिए हम ऐड कर लिए हैं. अब हम क्या करेंगे इसमें पावर सप्लाई देने के लिए एक बैटरी कनेक्टर ऐड करेंगे. तो 3 नंबर पिन पे हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर लेंगे और रेजिस्टेंस के 10K के रेजिस्टेंस पे हम 9 वोल्ट की पावर सप्लाई इनपुट के लिए पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लेंगे. तो चलिए फ्रेंड हमारा कनेक्ट हो चुका है. अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग. तो चलिए इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगा लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है. तो चलिए हम 9 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर लगा लिए हैं. तो देखिए हमारी लाइट क्या हो रही है ब्लिंक कर रही है. एक बार ब्लिंक होने का मतलब एक बार ऑन हो रही है एक बार ऑफ हो रही है. तो एक बार ऑन ऑफ हो रही है. चलिए हम अंधेरा करके दिखा देते हैं कैसा होता है. तो देखिए हम लाइट ऑफ कर लिए. देखिए अंधेरे में कितना अच्छा दिख रहा है. यदि फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.